मैं जिगर साहब आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, और वो इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमारे एक एक दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं अडानी को नेरे राखिए सारा देश बिकवाए, हम दोनों बचे रहें सारा देश भाड़ में जाए। ये अडानी जी क्या फैक्टर बड़ा होंगे कर्नाटक में कि नहीं, क्योंकि एक चीज ये भी देख रहा है पूरा देश कि क्या एक तरह से रेफरेंडम है ये, क्योंकि अगर आप यहाँ पे भी ये मानते हैं कि नहीं बीजेपी बिल्कुल जीत के आ जाती है, तो इसका मतलब देश कर्नाटक कम से कम देश तो नहीं, कर्नाटक ये मान रहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने आपके यहाँ बहुत से लोगों से बात की, गुजरात में ऐसा लोग कहते हैं कि अडानी का बहुत फर्क नहीं है, लोगों को लगता है ठीक है धंधे में तो सब चलता ही है थोड़ा ऊंच नीच, लेकिन अडानी फैक्टर जिस तरह से अब चिपकता जा रहा है और विपक्ष उसको बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ है, ये कुछ काम का रहेगा? और जनरल ओवरऑल भी एक आपका पर्सपेक्टिव ऑन कर्नाटका इलेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए जैसे आपने कहा वो बात बिल्कुल सच है, गुजरात में तो खास इसका इम्पैक्ट नहीं होता, पर मुझे थोड़ा ये भी लग रहा है कि अदानी का जो इश्यू है वो बहुत सही में काफी बरसों के बाद मुझे लगता है कि विपक्ष के पास एक बहुत बड़ा मुद्दा हाथ लगा, पर जिस तरीके से उसके ऊपर जो धरने होने चाहिए, जिस तरीके से हमले होने चाहिए वो मुद्दे को लेकर, वो हमले करने में कहीं ना कहीं पूरे देश में, पूरे मैं देश की बात कर रहा हूँ, पूरे देश में कहीं ना कहीं कांग्रेस या उसका जो संगठन है वो बिल्कुल 100% नहीं हुआ। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है जितने लोगों से जब बात करते कि शायद वो 40-50% तक वो उन्होंने हमले किए, बाकी कहीं ना कहीं वो भी स्लो होते जा रहा है, और वो जैसे जैसे स्लो होते जा रहा है इस मुद्दे को लेकर बात करने में, वैसे वैसे ये मुद्दा भी थोड़ा जितना तूल पकड़ना चाहिए उतना कांग्रेस को फायदा नहीं करवा रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये भी है कि कल उठ के अगर आने वाले समय में 1 महीने में 1.5 महीने में अगर स्टॉक मार्केट वापस ऊपर आ जाता है, शेयर्स रिकवर कर जाते हैं, LIC का जो लॉस है वो रिकवर कर जाता है, तो फिर ये मुद्दा नहीं रहेगा। एक ये भी बात सामने आकर खड़ी रहती है, बिकॉज ये सब पैसों का मामला है, हेर फेर चलती रहती है स्टॉक मार्केट में, तो वी नेवर नो कि कब क्या हो जाए। अब जहां तक बात है ओवरऑल परसेप्शन की, तो ये मैंने हमेशा मार्क किया है कि कर्नाटका में कभी भी बीजेपी ने बिना बैसाखी सरकार नहीं बनाई है। पिछले जितने समय से जो जो इलेक्शन हुए वो हमेशा 113 से नीचे ही रहे हैं। अब पिछले इलेक्शन में 100 मेरे ख्याल से 4 सीटें उनको मिली थी, वो उनके लिए एक सौ बहुत चार बड़ा गेन था जी, क्योंकि 2013 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें उसको सिर्फ 40 सीटें मिली थी, और कांग्रेस के पास 122 सीटें थी जो बहुमत से भी 9 सीट ज्यादा थी। तो मेरे ख्याल से कांग्रेस का बहुत बड़ा जो लॉस हुआ वो 2013 से 2018 के बीच में हुआ, और उसी समय चाहे लिंगायत समुदाय का साथ लेकर हो या वोका लिंगा का हो या कुरुबा समुदाय हो, जितने भी समुदाय है जिसका साथ लेकर बीजेपी ने वहां पे सेंधमारी की है और जिस तरीके से अपने जो उनका जो प्रभुत्व है वो बढ़ाया है, वो मुझे साफ दिख रहा है कि वहां पर आज की तारीख में चाहे वो कोई भी नरेशन गढ़ रहे हो पर बीजेपी का पलड़ा थोड़ा सा भारी है, कांग्रेस फाइट कर रही है, ये बात बिल्कुल साफ है, उसमें कोई दो राय नहीं है, जबरदस्त फाइट दे रही है। पर एक नैरेटिव अगर आप देखें जो मैं बहुत सारे इलेक्शंस में देखता हूँ, खासकर गुजरात में भी हमने ये देखा था कि नैरेशन ऐसा होता है कि बीजेपी इलेक्शन से पहले ऐसा आता है कि वहां के इंटरनल नेताओं के बीच फाइट है, येदुरप्पा असंतुष्ट है, वैसे गुजरात के भी यहाँ बहुत सारे नेता असंतुष्ट थे, सीएम फेस किसे डिक्लेयर करना उसमें भी असंतुष्टि थी, ये सारी बातें जाती है हवा में और पूरे मार्केट में। उसके बाद नरेशन ऐसा होता है कि जितने जो सर्वेज होते हैं या ओपिनियन पोल्स होते हैं उसमें कांग्रेस बढ़त में है ऐसा दिखाई देते हैं, ये सारी बात बहुत ही कॉमन तरीके से हमेशा इलेक्शन के 3-4 महीने 2-3 महीने तक ये चलती रहती है। और सामने ये भी मैंने देखा है, प्रैक्टिकली देखा है गुजरात में तो खास, कि उस वजह से कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता होते हैं वो जिस लेवल की मेहनत एंड तक करनी होती है वो शायद कहीं साइकोलॉजिकली उन्हें लगता है कि नहीं अब हम तो इस बार सरकार बना रहे, तो वो सरकार बनाकर कौन मंत्री बनेगा कौन उसका PA बनेगा ये सारे डिस्कशन में लग जाते हैं और उसी सारे झगड़ों में घुस जाते हैं, तो ये उनको टालना होगा। मुझे ये सारा सारा जो पिक्चर दिख रहा है मुझे ये दिख रहा है कि कांग्रेस को आज की तारीख में वहां पर अगर अपना प्रभुत्व 10 मई तक बनाए रखना है, इलेक्शन के अंदर जिंदा रहना है जीवंत रहना है, तो उनको ये करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले इलेक्शन में उनकी जो 80 सीट आई थी उसमें 5 MLA उनके चले गए, 75 बाकी बचे, फिर भी आज की तारीख में उनके पास लोग हैं जो मेहनत करने के लिए काम करने के लिए तैयार है, और भारत जोड़ो यात्रा ने भी वहां पे 15-20 दिन का इम्पैक्ट डाला था। तो ये सारी बातें हैं, मुद्दे भी काफी सारे हैं कांग्रेस के पास, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ कांग्रेस ये कर्नाटक सेंसिटिव जरूर है, बहुत सारी जैसे शीतल जी ने बताया वैसे कि धार्मिक ध्रुवीकरण के मामले हो या फिर महाराष्ट्र के साथ सीमा विवाद जो चलता हो, तो एक वो एक अपने जिसे कहते हैं ना एक इमोशनल कार्ड जरूर खेला जा सकता है वहां पर, जहां पर लोग तुरंत उस चीज को पकड़ते हैं, लोग वहां पर पकड़ते हैं। पर जहां तक भ्रष्टाचार की बात है मुझे आज भी ये लग रहा है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, कि भ्रष्टाचार वहां पर मुद्दा इतने समय से बनाने के बावजूद नहीं बन रहा,
शायद लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, चाहे कोई भी सरकार हो, जेडीएस की हो या बीजेपी की हो, जेडीएस के साथ कांग्रेस की हो, पर जो 40% हो या 20% हो या 30% हो, आई थिंक पीपल हैव एक्सेप्टेड, क्या ठीक है भ्रष्टाचार तो है ही, सारे नेताओं के बेटे पकड़े जाते हैं या कोई ना कोई नेता पकड़ा जाता है, उस बात को छोड़ो, आप और क्या करेंगे वो हमें बताओ। मैंने कहा इस तरीके से अगर वो अपना मैनिफेस्टो वहां पे बनाते या दिखाते तो शायद ज्यादा स्ट्रांगली फाइट कर पाएगी कांग्रेस, और कांग्रेस के पास इस बार चांस जरूर है और ये चांस उन्हें लेना चाहिए, अदरवाइज इसका इम्पैक्ट अगर वो जीतते हैं, अच्छी सीट्स लाकर निकल जाते हैं या फिर कोएलिशन गवर्नमेंट बनाने में भी कामयाब हो जाते हैं आफ्टर पोस्ट पोल अलायंस जेडीएस के साथ या कुछ भी तरीके से, तो इसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आने वाले समय में बहुत बड़ा पड़ेगा। अगर ये नहीं होता है तो वापिस वही चीज मार्केट में हम देखेंगे या सोशल मीडिया में हम देखेंगे कि देखिए मोदी जी का जादू बरकरार है, वो 80% लोगों को इतने लोकप्रिय है, इतने सारे सर्वेज आ जाएंगे, गोदी मीडिया टूट पड़ेगा, ये कांस्टेंट चलेगा आने वाले 2-3 महीनों तक, जिसका इम्पैक्ट मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनावों पर भी डेफिनेटली पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये नॉर्थ ईस्ट में तो ठीक है कि मेघालय और दूसरा जो त्रिपुरा को छोड़ के नागालैंड मेघालय में तो उनकी 2 या 5 सीट है, ज्यादा कुछ सीटें नहीं है, त्रिपुरा में ठीक है उन्होंने 32 सीटें हासिल की है बीजेपी ने, पर ये अगर इस तरीके से हुआ तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। कांग्रेस को इसमें मुझे लगता है जी जान लड़ा के डेफिनेटली मेहनत करनी चाहिए, मुद्दे बहुत सारे हैं, और अगर वो इमोशनल कुछ भी बात या उस तरीके का मैनिफेस्टो लेकर आते हैं जो लोगों को वहां की जो संस्था है या जो समुदाय है, खासकर जो अलग अलग कास्ट में मानने वाले रहने वाले लोग है, उन्हीं का अगर उन्हीं के रिलेटेड कुछ मैनिफेस्टो लेकर आए तो मेरे ख्याल से वो उनको इम्पैक्ट ज्यादा करेगा और लोग उनमें भरोसा ज्यादा करेंगे, अदरवाइज मेरे ख्याल से उनको फाइट हर जगह बीजेपी देगी ऐसा दिख रहा है। जी सर। जेगर साहब, चलते चलते एक चीज आपसे पूछ लूं, ये जो एक नई सी चीज कह रहे हैं लव कुमार साहब, ये कह रहे हैं कि अगर केंद्रीय मंत्री आते हैं तो उसका उल्टा इफेक्ट हो सकता है कर्नाटक में। अभी तक तो भाई सबकी ड्यूटी लगाई जा रही है, वो एक डिस्ट्रिक्ट वाइज ड्यूटी लग रही है, मतलब मैंने जहां के इलेक्शन देखे हैं वहां पे मंत्री के आने से थोड़ा फायदा तो रहता है, 10 लोगों के काम रहते हैं, लोग आगे पीछे दौड़ते हैं उनका कुछ ना। और आज तो कांग्रेस के पास भी भाई कम से कम 3 राज्यों के मंत्री तो हैं, और जैसा जितना हुआ है कि सारी ताकत इस बार कांग्रेस भी अपनी लगा रही है, तो इसमें ये जो बात लवि कुमार साहब कह रहे हैं ये भी कितनी क्या ये वो होगी, लोगों को कभी कभी देख के चिढ़ भी होती है, एक ये भी दिक्कत हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात सर, ऐसा हो सकता है, कई बार ऐसा होता है कि जो नेता ऊपर बैठे हुए शीर्षस्थ है, और शायद कई बार ऐसा है कि अपने कोई भी डायनेस्टी कल्चर की वजह से या बहुत बड़े कनेक्शन की वजह से वहां तक पहुंच गए बिल्कुल इजीली, जिनका एक्चुअली कोई जनाधार नहीं होता, और वोट में अगर उनको कहीं इलेक्शन में खड़ा किया जाए तो शायद उनको इतने वोट डायरेक्टली नहीं मिलेंगे जितना सिम्बॉल पर, पार्टी सिम्बॉल पर या किसी बड़े नेता के नाम पर मिल जाता है। तो लोगों को ऐसे नेताओं से जरूर चिढ़ मचती है कि इनके पास कोई आधार है नहीं, फिर भी देखो कितने बड़े साहब बनके बैठे हैं, तो इस वजह से इफेक्ट पड़ता है और इम्पैक्ट भी पड़ता है, कार्यकर्ताओं में भी निराशा आती है, तो मेरे ख्याल से इस चीज को मैं जरूर मानता हूँ। दूसरा, आपने जो इसराइल का एक जिक्र किया, उस बात को मैं 2-3 दिन से डिस्कशन, मेरी जहाँ दूसरी डिबेट हो रही है वहां यही बोल रहा हूँ कि हमारे वहां थोड़ी सी विटंबना ये है कि हम 28 करोड़ लोग थे और 2.5 लाख अंग्रेज हम पे 200 साल राज कर गए, तो मेरे ख्याल से हमारी जो ये एक विडंबना है वो बहुत बड़ी है, हम शायद यूनाइटेड नहीं हो पाते, ना लड़ने की ऐसी मंशा रखते हैं, और हमें भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जरूर चाहिए पर बाजू वाले के घर के चाहिए, हमारे घर के नहीं चाहिए, ये बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे साथ, तो मेरे ख्याल से इस वजह से ये इम्पैक्ट पड़ता है। और तीसरी एक बात ये भी है जो मैं हमेशा देखता हूँ गुजरात में खास करके, कि बीजेपी जब भी पावर में आती है, ये बहुत ही पेचीदा मसला है सर, पर मेरे ख्याल से बहुत नीचे के लेवल पे ये सब अमल हो जाता होगा ऐसा मैं मानकर चलता हूँ, कि जो एरिया का जो जोन का सीमांकन होता है वो करने में माहिर है बीजेपी। अगर जैसे कोई एक ऐसा एरिया है जहां पे 3 लाख वोटर है और 3 लाख वोटर में से उन्हें पता है कि उनके सिर्फ 1.5 लाख वोटर है, तो बाकी के 1.5 लाख वोटर्स को 2 अलग अलग एरियाज में बांटकर एक बड़ा तबका उस एरिया में मिला देना जहां पर वो जो सीमांकन से उनके वोट्स बढ़े, वोट परसेंटेज भले कांग्रेस के ज्यादा हो पर सीट्स के आने की जो परसेंटेज है वो बीजेपी का बढ़ जाता है, तो ये एक मास्टरी है उनके, एक एडमिनिस्ट्रेशन स्टाइल है वो जो हमेशा मैंने देखा है। और एक बात ये भी है कि जो मैं स्टार्टिंग में बताया कि अदाणी का मसला या और भी कोई मसला ये लोग नीचे तक नहीं ले जा पा रहे जिस धड़ल्ले से ले जाना चाहिए, ये बिल्कुल वही हमारे डिबेट में ये शीतल जी ने बाकी सबने आप सबने यही डिस्कशन किया कि ये बिल्कुल फैक्ट है कि बीजेपी जिस तरीके से हमलावर रहती है व्हाट्सएप के थ्रू या और भी कोई माध्यम के थ्रू, वो बहुत जबरदस्त है, कांग्रेस को उसका तोड़ निकालना पड़ेगा।
और मेरे ख्याल से अगर वो सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव होते हैं या फिर कोई अलग दूसरा कुछ माध्यम निकालते तो मेरे ख्याल से हो पाएगा। बाकी ट्विटर या फेसबुक के जरिए कुछ परसेंटेज ऑफ वोट्स उनको मतलब वो इन्फ्लुएंस होंगे, बाकी मुझे नहीं लगता ज्यादा हो पाएंगे। उनको धरातल पर जाना पड़ेगा और बीजेपी का ये भी उनको कार्ड निकालना पड़ेगा कि दूसरी कितनी पार्टीज आती है जो वोट कटवा सकती है, निर्दलीय कितने उनके साथ मिले हैं या जो उनके तरफ से लड़ रहे हैं, जो लगता है निर्दलीय हो पर बीजेपी की तरफ से लड़ रहे हो, जो 2000-5000 वोट भी कटवा देते हो, ऐसे कितने सारे फैक्टर्स है जो बीजेपी के पास पूरी महारत हासिल है कि वो 1 से 15 तक के उनकी जो रणनीति होती है वो एक साथ इंप्लीमेंट कर देते। अब ये सारी रणनीति के साथ उनको लड़ना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी या फिर 2-3 पॉइंट्स जो बड़े है कांग्रेस के पास उसको लेकर सिर्फ चलेंगे तो मेरे ख्याल से ये शायद थोड़ा सा कम रहेगा। आखिरकार जनता भगवान है, ऑफकोर्स सीधी सी बात है, वो 13 मई को अगर कुछ उलटफेर होना होगा तो जरूर होगा और ये मेरे ख्याल से पूरे विपक्ष के लिए संजीवनी होगी। जी, जी.